ओम नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसका विषय है, आप यहां पर देखेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिग्री मार्कशीट्स एंड अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को UGC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जो कि देश के सभी वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर को और सभी स्कूल बोर्ड्स जो हैं उनके सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित शिक्षण से जुड़े सभी संस्थानों को ये नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, इसका विषय है, जो नोटिस जारी किया गया है, इसका विषय है कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जो मार्कशीट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और शिक्षण से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, अर्थात उनको स्वीकार्य बनाया जाए, उनको अस्वीकार ना किया जाए, अर्थात उनको भी माना जाए, उनको भी उसी तरह से माना जाए जिस तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फैसिलिटी टू पुल स्टूडेंट्स डिग्री मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इनटू द इश्यूड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वंस अपलोडेड थ्रू द डिजी लॉकर NAD प्लेटफॉर्म बाय द ओरिजिनल इश्यूअर। दीज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म आर वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज पर द प्रोविजन्स ऑफ प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है उसके अनुसार ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी के संबंध में जो UGC ने ये नोटिस जारी किया है, कहा कि टू इन्हेंस द रीच ऑफ NAD प्रोग्राम ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट डिग्री मार्कशीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल इन इश्यूड डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर अकाउंट एज वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहे हैं कि जो डिजी लॉकर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, उनको भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स की तरह ही जो है मान्य किया जाए। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण नोटिस है, जैसे कि हमारा कई बार हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गायब हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से हम अपने साथ नहीं रख पाते हैं, तो हम डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन है उसकी सहायता से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और वो जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही उनको भी मान्य किया जाएगा। ये बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपने नोटिस में सभी यूनिवर्सिटी के VC को, सभी शिक्षा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनको और शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर्स को 3 जनवरी 2022 को नोटिस जारी करके इस संबंध में जो है उनको अवगत करवाया है। तो दोस्तों, धन्यवाद, ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।